हमारे समाज में ना एक एक ऐसा कह दीजिए बनी हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि घर परिवार महिलाएं संभालती हैं, खाना वगैरह स्पेशली महिलाएं बनाती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं। और ये वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत चीज़ है, पर जैसे जैसे समय बदलता है कई चीज़ों की परिभाषा बदलती जाती है। पर यू नो सीइंग मैन डूइंग समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट टू फेलिसिटेट द वुमेन ऑफ द हाउस, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई ऐसे पुरुष से मिलती हूँ जो घर में थोड़ा हाथ बटाते हैं और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अपनी वाइफ को, अपने घर की महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करते हैं कुछ करने के लिए। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेट है और ये कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा साइन है जो पुरुष में होना चाहिए, और आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो आज के इस खाते रहो में मैं किसी महिला के साथ खाते रहो नहीं कर रही हूँ, मैं एक पुरुष के साथ कर रही हूँ जो कि खाना इसलिए नहीं कि वो सिर्फ शो में है तो बनाते हैं, वो ऐसे भी हाथ बटाते हैं, ऐसे भी अपनी वाइफ के साथ खाना बनाते हैं और उन्हें शौक है खाना बनाने का, वो इंजॉय करते हैं। मेरे साथ हैं हरीश भैया। हरीश भैया, जय श्री कृष्णा। और ये वाक्या तो मुझे बहुत पहले से ही पता है कि आपको खाना बनाने का शौक है, और जब मैंने हर्षिता भाभी के साथ शूट किया था तब भी आपने अपनी स्पेशल टिप्पणी दी थी खाने पे, बिकॉज आप बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में इंदौरी हैं और स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाना ही पसंद है, ऐसा कि जानना भी पसंद है और खिलाना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है। तो सबसे पहली डिश आपको याद है, आपने कब कोई सी पहली बार ट्राई की थी कि यार चलो मैं बना के देखता हूँ? ये मतलब बहुत साल बचपन को बोल दें उसको, मैं 15-16 साल का था, सिस्टर की शादी हो गई थी और मम्मी कहीं बाहर गई थी और मुझे दाल चावल का बहुत शौक था, तो मम्मी को देखता था मैं, तो उन्होंने एक सोचा कि मम्मी खिचड़ी ऐसे बनाती होगी, तो मैंने खिचड़ी से ट्राई करी थी और वो बहुत शानदार बनी थी। मतलब मन से ट्राई किया? मन से ट्राई किया, मेरे को देख के, मतलब मेरे को हर चीज़, मैंने गाड़ी भी मन से चलाना सीखी कि मेरे मामा के यहाँ परिवार में गाड़ियाँ थी, सबसे पहले उनके साथ जाते थे, मामा जी को गाड़ी चलाते हुए देखते थे और मैंने वैसे ही गाड़ी सीखी। मैं देख के सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ। तो माता से आपने अपनी दाल चावल देखे, दाल चावल और आपने खिचड़ी बनाई उस दिन और आपने स्वयं बना के स्वयं खाई, तो कैसा अनुभव था वो? मतलब एक अपने हाथ की चीज बना के और खाना, वो भले ही जल भी जाए तो भी स्वादिष्ट लगती है, पर उस दिन जली नहीं थी, अच्छी बनी थी और खाई थी, और मम्मी ने भी बोला बोले कि वाकई में बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। और चाय वगैरह तो शुरू से ही, सिस्टर की शादी हो गई थी, मम्मी को ऐसा था कि कुछ भी हाथ बटाने के लिए, तो वो एक शुरू से ही रहा है कि घर में थोड़ी सी हेल्प करना। और ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं व्यक्तित्व का और पुरुष के पुरुषार्थ का भी साइन है। मुझे लगता है कि पुरुष सही मायनों में घर का जो मुखिया होता है तो उसे सभी कुछ आना चाहिए, और अभी लॉकडाउन में तो मैंने देखा है कि पुरुषों ने स्पेशली अपनी कुकिंग स्किल्स को और अच्छा किया बहुत है। तो हाँ, तो आपके लिए ये समय कैसा रहा और आपको सबसे ज्यादा सीखने को क्या इसी समय में मिला? लॉकडाउन तो लोगों का टेंस वाला रहा, हमें भी टेंशन था, पर हमने उसको, उस टेंशन को इंजॉय करा। मिसेस को कुकिंग का बहुत शौक है, वो कुछ भी बनाती रहती है, मैं देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, वो भी है ना, कई उसकी बारीकी पॉइंट मुझको नहीं बताती है क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शौक है तो बोले ये मेरी चीज़ लीकेज हो जाएगी इनको मालूम पड़ गई तो वो बहुत, मतलब वो करती रहती है, बहुत सारी चीजें बनाती है, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, अब तो सब दाल बाफले वगैरह सब बना लेता हूँ। मतलब अब तो आप, मुझे लगता है ऐसा हाथ रवा हुआ है आपका कि अब आप, अगर भाभी नहीं भी है किचन में तो आप अपने खुद के दम पे कोई भी चीज बना। कई बार भाभी डिमांड कर देती कि आज मैं किचन में नहीं हूँ, अच्छा मेरे को क्या बना के खिला रहे हो, तो हो जाता है। वो सब चीजें भी है और लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारी चीजें नई ट्राई करी, एक कुकिंग चैनल ही लॉकडाउन में ट्राई करा जो अपन शूट कर चुके हैं, तो वो भी ये सब इसको, उस चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हर्षिता हरीश की रसोई एक हमारा छोटा सा कुकिंग चैनल है जिसमें आपको कम समय में कितना फटाफट आप क्या चीजें बना सकते हैं और बिल्कुल सुपर फास्ट और घर की बनी हुई, घर में जो चीजें रखी है उसी से हम उसको कर सकते हैं। सही बात है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे जूही ने बोला कि पुरुष को करना चाहिए, अभी अपन समाज में एक चीज देख रहे हैं कि तलाक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए ईगो पावर। मैं कहता हूँ अगर पुरुष थोड़ा सा अपनी वाइफ को थोड़ा सा 0.1% सपोर्ट करे
तो वाइफ उसको 99.1% उसको सपोर्ट करने को तैयार है। क्या बात है। अगर वो घर पे आके ये बोले कि मुझे पानी पीना है कि बजाय ये बोले कि तुम बैठे हो, तुमने आज दिन भर क्या करा, मैं पानी लेके आता हूँ, वो वाइफ उसको पानी लाने नहीं देगी। पर बोलना जरूरी है। पॉइंट अगर रहेगा तो वो उसके मन में इतनी इज्जत होगी। एक लोगों कहते हैं कि भाई आप इतना, आप लोगों में इतना सामंजस्य क्यों है, तो वो इसी बात को लेकर है कि भाई कुछ भी होता है, जैसे ये सलोन से आती है तो भाई मैं पानी ले आया, या फिर खाना ये जैसे फटाफट तैयार कर देती, तो खाने को हमको टेबल पे लगाना है तो भाई फटाफट किचन से सामान मैं लेके आ गया, कुछ खाना खाने के बाद टेबल साफ करनी है तो हम दोनों मिलके साफ कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी चीजें, वो मना ही कर देती है कि मैं कई बार तो मैं टेबल पे कपड़ा लेके जाता हूँ तो मतलब हमारा इस चीज में झगड़ा हो जाता है कि ये काम तो मैं कर लूँ। पर एक रहता है कि मन में कि अगर अपन ने एक दूसरे को अगर थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर पुरुष 0.1% भी अगर घर पे हेल्पिंग नेचर के लिए हो जाए तो अपने आगे तलाक के परसेंटेज 50% लेस हो जाएंगे। सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो ईगो इश्यूज होते हैं कि मैं का अहम मैं, जो होता है मैं मर्द हूँ, हाँ, ये खत्म करना पड़ेगा। सही बात है। हम परिवार को लेके चल रहे हैं, ये पॉइंट आ जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब। तो आज भैया ने इतनी बढ़िया बात बोली, मुझे लगता है ये शूट सिर्फ एक खाते रहो ना होते हुए एक समाज के लिए और हम सभी के लिए एक बहुत ही आई ओपनर शूट रहेगा, जिसमें हम खाने के दरमियान भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो आज हरीश भाई आप क्या बनाने वाले? मैंने सुना आपकी स्पेशलिटी है सैंडविचेस। सैंडविच वगैरह तो मैं बनाता रहता हूँ। आज बिल्कुल फटाफट, जैसे 4 बजे 5 बजे चाय के टाइम पे कि कुछ भी नहीं है, ब्रेड है, चटनी है, तो अपने सराफे में भी चीज चटनी सैंडविच, सभी दूर इंदौर के अधिकतर जगह चीज चटनी सैंडविच मिलता है जो सभी को, इंदौरियों को भी पसंद है और बाहर वालों को भी पसंद है। तो एक मेरे स्टाइल में चीज चटनी सैंडविच, हरीश भैया के स्टाइल में चीज चटनी सैंडविच, और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं इसमें, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से घर में अवेलेबल होते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो हम सैंडविच बनाने वाले हैं चीज चटनी सैंडविच हरीश भैया के स्टाइल में, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं। तो जैसे आपने देखा इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही फटाफट बनने वाली चीज़ है, तो इंग्रेडिएंट्स भी आसानी से घर में अवेलेबल रहते हैं। तो भैया मुझे लगता है मेन इंग्रेडिएंट इसका है, आपको ये आपने मेन में सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। सो ब्रेड नॉर्मल कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रेड जो अपने पास में अवेलेबल है, घर पे जो अवेलेबल है वो ब्रेड, ठीक है। ग्रीन चटनी के बारे में थोड़ी सी बताइए पहले, तो आपके घर की ग्रीन चटनी कैसे बनती है इतनी अच्छी? ये जादू सिर्फ हर्षिता हरीश की रसोई में हर्षिता ही कर सकती है। ये चटनी भी उसी ने मेरे को तैयार करके दी है, मुझे भी आती है चटनी बनाना, पर वो मेरी भी जो ऐसे लोगों की समझ, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और हर्षिता का तड़का काला नमक। अच्छा। तो ये ऐसे मतलब थोड़ी तीखी सी बनानी है, तीखी, थोड़ी सी तीखी, हरी मिर्ची और लहसुन का थोड़ा सा तड़का इसमें रहना चाहिए। और एक बात और, हर्षिता भाभी के हाथ की ये जो चटनी, इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर काली वाली जो एक परत आ जाती है ना, वो नहीं आती है। सो वो हमेशा आपको 2-3 दिन तक ऐसी फ्रेश ही दिखाई देगी। मैं मुँह में अभी से और साथ में बटर है, बटर की जगह घी वगैरह भी यूज किया, घी यूज किया जा सकता है, पर कहते हैं ना कि अगर प्यार बढ़ाना है तो मक्खन लगाना पड़ेगा। तो शाम को अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी खुश करना, थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा चीज, ढेर सारा प्यार, फिर देखो आपको इंदौरी स्टाइल में, और फिर इंदौरी स्टाइल में खिलाओ। ये चीज की स्लाइसेस यूज करी हैं, तो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले हमें ब्रेड लेना है, उसमें हम लगाएंगे मक्खन, मक्खन लगाते हैं, ठीक है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, ये अंदर की साइड अपन बटर लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि अगर अपन इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे, हाँ, तो ग्रीन चटनी से जो ब्रेड पूरी वो नरम हो जाती है, वो नहीं होगी इसमें। अच्छा, ओके, हाँ, वो गीली हो जाती है। ये अपन ने जैसे बटर लगाया, उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे तो ये ब्रेड को मेसी नहीं करेगी। सही बात है, ये, हाँ, ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि एकदम से बनते बनते तक वैसी हो जाती, वो इसमें नहीं होगा जी। हमने एक पार्ट इसका किया है, चीज स्लाइस, इसमें फिर हम
थोड़ी सी चटनी वापस चटनी लगाएंगे। इसमें हम मक्खन इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि ये वाली स्लाइस बीच में रहेगी। अच्छा, दोनों तरफ लगाना है। इसमें दोनों तरफ लगाना है हमें। ठीक है, फिर एक चीज स्लाइस रखेंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल तो चीजी जंबो वाला। जंबो चीजी सैंडविच। और हम इसमें फिर से बटर लगाएंगे, मक्खन जो जरूरी है, जरूरी है आज के जमाने में। दुनिया मक्खन लगाने पे टिकी हुई है आज। मक्खन जितना आप लगाओगे दिल से। वैसे ये सारी चीजें अच्छी भी हैं, मतलब मक्खन और ये चीज वगैरह सब गुड फैट्स में आता है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर मस्त खूब सारी चटनी लग गई है, अभी से ही पानी आ रहा है। ये हमारा सैंडविच लगभग तैयार है। हाँ। अब हम इसे ग्रिल, अगर ग्रिल आपके पास सैंडविच टोस्टर वगैरह हो तो ठीक, नहीं तो सबसे बढ़िया है बेस्ट तवे पे फटाफट बनने वाला तवा सैंडविच। तवे पे थोड़ा सा बटर लगा, थोड़ा सा बटर। ये तो मतलब हमें सराफा 56 की याद दिला देगा सैंडविच। वो अब आप टेस्ट करके बताओगे कि भाई सही में सराफा 56 की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारा सैंडविच लगभग तैयार है, बस एक बार हो जाए क्रीम, थोड़ा सा गर्म हो जाए तवा तो हम इस पे। अच्छा एक बात बताओ हरीश भैया, हम कहते हैं खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स के अलावा धैर्यता की जरूरत होती है, खाना बनाने वाले के मन में प्यार होना चाहिए, खाने बनाने की इच्छा होनी चाहिए। आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन क्या है जब कोई खाना बनाता है? ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले आप जिसके लिए खाना बना रहे हैं, मतलब उसके लिए मन में आपको खाना बनाते समय उसके लिए जो प्यार आना, जैसे ये सैंडविच बनाया है ये मेरे, आप लोग टेस्ट करेंगे, मेरी वाइफ टेस्ट करेगी, तो एक मेरे को ये है कि भाई इसमें आत्मीयता आ गया। आपको इस सैंडविच में ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैं इसको खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, तो एक बड़ा मजा आएगा और वो टेस्ट करके बताएंगे कि भाई कैसा बना है जी। तो एक उसका जो वो रहेगा उसके कारण जी, वो आत्मीयता बहुत जरूरी है आपके किसी भी खाने में बनाने के लिए। आप जो रूटीन में महिलाएं घर में खाना बनाती हैं वो अपने दिल में ये बात लेकर सोच के रखती है कि आज हस्बैंड के लिए ये चीज़ बनानी है। जैसे मेरी घरवाली रोज सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, दाल चावल तो बन रहे हैं, सब्जी कौन सी खाओगे, क्योंकि उसको पता है कि इनकी गाड़ी दाल चावल पे अटकती है, तो मालूम है पूछने की जरूरत नहीं, दाल चावल तो बनाना ही बनाना है। तो वो जो मतलब इसके हाथ की दाल, जैसे अभी बीच में कई बार ऐसा मौका आता है कि भाई हमने खाना किसी और से बनवाया तो बहुत टेस्टी खाना बनाया पर उसमें आत्मीयता नहीं थी, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसने बनाया उसने था वो, उसने किया। अपना काम किया, उसने जॉब किया, और अपने घर के अपन बनाएंगे ना उसमें आत्मीयता रहेगी, तो वो स्वाद इसमें आता है खाने में। सही बात है, हमारा मतलब सैंडविच बन के ऑलमोस्ट तैयार, ऑलमोस्ट तैयार है। इसके बाद हम इसको ग्रिलिंग, ग्रिलिंग के बाद हम इसको हल्के इंदौरी स्टाइल में इसको प्रेजेंट करेंगे। पहले तो एक ऐसा ही करेंगे, फिर एक इंदौरी स्टाइल का भी बना लेंगे। जो धैर्य वाली बात है वो ये है कि हर डिश में जब तक ये इसको आप फुल तेज में भी बना सकते हैं तो वो धैर्य जहाँ आपका ख़त्म हुआ तो वो टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, चिपक जाएगा नहीं, चिपक जाएगा वो भी ठीक है, पर ये क्रिस्पीनेस है वो नहीं आएगी जब तक ये बिल्कुल स्लो स्लो नहीं होगा, जब तक उसमें ये देखिए हमारा ये सैंडविच बिल्कुल तैयार है। आसानी से कट भी गया है, ये वैसी फीलिंग दे रहा है जब हम किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं बहुत बढ़िया सा चीज़ चटनी सैंडविच बना दीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी और ऐड हो गई है, वो भैया की आत्मीयता और प्यार ऐड हो गया है जो इसको और टेस्टी बना रहा है। और ऑलमोस्ट हम डन हो चुके हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द शो,
And the second last part before tasting is the presentation. तो हमारे चीज चटनी सैंडविच में हमने ये सैंडविच के साथ थोड़ी सी चटनी रखी है और क्या करना है भैया अब इसमें ये हमारा चीज चटनी सैंडविच तैयार है जी अब हमें है इंदौरी सही बात है इसी चीज चटनी सैंडविच को हमें इंदौरी चीज चटनी सैंडविच बनाने जा रहे हैं जी हमें कुछ नहीं करना है हमें जो इंदौर का फेमस जीरावन हर घर में मिलता है हर दुकान पे मिलता है हल्का सा जीरावन आप हल थोड़ा सा सारे सैंडविचेस में एक जीरावन का तड़का जी एक टमाटो सॉस का तड़का जी क्या बात है और फाइनली सेव ये जो हमारा चीज चटनी सैंडविच है ये इंदौरी चीज चटनी सैंडविच के नाम से प्रसिद्ध है क्या बात है आप मतलब चीज चटनी सैंडविच खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा पर इसी के साथ अब ये है चीज चटनी इंदौरी स्टाइल में देखिए इसमें चीज चटनी सैंडविच बना पूरा प्रॉपर उसके साथ इंदौरी तड़का डालने के लिए इसमें जीरावन सेव और साथ में टोमेटो केचप ये आपके इच्छा शक्ति अनुसार आप जो डालना चाहें आप इसे और ऐसे यमी बना सकते हैं तो क्या बात है अभी ऐसा है कि इतना जब इतना बेहतरीन सैंडविच आपकी आंखों के सामने होता है उसकी खुशबू आपकी नाक में पूरी घुस गई होती है तो आप बोलने में असमर्थ होते हैं और आपके मुंह में पानी आ रहा होता है और आप सोच रहे होते हैं किसका है ये तुमको इंतजार तो भैया ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है एक महिला के पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ होता है और ये दोनों एक ही गाड़ी के टायर्स होते हैं जो साथ में चल रहे होते हैं तो यहाँ पे क्योंकि एक बार हमने हर्षिता भाभी के साथ शूट किया था और भैया ने आके अपने स्पेशल कमेंट्स दिए थे तो आइए अब हर्षिता भाभी को बुलाया जाता है और उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये चीज चटनी सैंडविच अपने स्वयं पतिदेव के हाथ का कैसा लगा है साथ में मैं भी टेस्ट करूंगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फन पार्ट तो फाइनली हमारे साथ वो गेस्ट है जो घर पे ही रहते हैं और आज वो टेस्ट करने वाले हैं हरीश भैया के हाथ से बनाया गया चीज चटनी सैंडविच भाभी पहले खाया है हाँ पहले खाया है तभी आप क्या बोलते हो मतलब क्या रेटिंग्स दोगे आप पहले सैंडविच खाया और मैंने सुना आपने बहुत अलग अलग टाइप के सैंडविच खाए हैं भैया ने वेजिटेबल और बहुत सारे अलग अलग सैंडविच बनाए कैसा बनाते हैं ये खाना ये बताओ जब बनाते हैं जब बहुत प्यार से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा रहता है और बहुत इतने उससे कि जितना बटर लगा दूँ कितना ये लगा दूँ बटर की तो बात हुई है भाई भाभी बटर तो जरूरी है जब बहुत मूड में और प्यार है तो मैं देख के थक जाती हूँ कितना बटर मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ अब आप बनाओ मेरे सामने प्लेट आ जाती है ये एक कच्चा सैंडविच भी बहुत अच्छा बनाते हैं एक ये एक बॉइल आलू और मतलब प्याज वगैरह एक वो भी बहुत टेस्टी बनाते हैं मतलब मैं कह सकती हूँ कि इनको 6-7 तरह के तो सैंडविच बनाना आते हैं और बहुत अच्छा बना था और ये अभी इन्होंने बनाया था 10 दिन पहले बोले लाओ तुम थक गए मैं बना देता हूँ ये बनाया तो मैं तो खाती रही गई मैंने कहा यार इतना अच्छा टेस्ट जब घर पे ही है तो अपन बाहर क्यों खाएं क्या बात है भैया अब आपका सब्र का बांध हम तोड़ते हैं और भाभी टेस्ट कीजिए और बताइए भैया को कितने मार्क्स मिलेंगे इसके लिए भैया आपको प्यार से भैया सर्व कीजिए भाभी टेस्ट करेंगी और फिर बताएंगी कि कैसा मतलब वैसे तो भैया ने इतना बढ़िया जी आप दोनों लेते हैं अरे ऐसे कैसे मैंने तो खाया हुआ है तुम देखो पहले भाभी आप टेस्ट करो क्या टेस्ट आ रहा है चटनी एक नंबर उस पे टमाटर जो आपने बनाई है उन्होंने सबसे बढ़िया चीज करी है चीज मगर मतलब सच में भी बहुत टेस्टी लग रहा है अपन इस पे 100/100 मार्क्स दे देंगे बिल्कुल दे सकते हैं और आप सभी भी ट्राई करें वाकई में बहुत टेस्टी बनाया है मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो फिर मैं भी ट्राई कर लेती हूँ वाह भैया जो चटनी में चीज घुला है और जो उसके ऊपर जीरावन डाला है और जो उसके ऊपर सेव डाली है आहा आनंद समझते हैं ऐसा एक एक कोई कोल खाने के बाद जो ऐसे आनंद की अनुभूति होती है ना वो वाली हुई है जैसे माँ के हाथ का कुछ भी खिला दो तो पहली बार में ऐसा लगता है ना वो भगवान क्या खा लिया तो ये आपने क्योंकि इतनी प्यार से बनाया है
तो इसको खाने खाते से आनंद की अनुभूति हुई है। भैया आपने आज जो सिखाया है वो दो तरीके का है, पहला तो चीज चट्टी सैंडविच और दूसरा कि कितनी प्यार से एक पुरुष महिला का हाथ बटा के उसके साथ चल के उसकी मदद कर सकता है। ये इसके लिए मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। और भाभी आपने भी, आप भी एक स्तंभ ही हो घर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ही सामंजस्य की बात है कि चीजें इतनी आसान हमें दिखाई देती हैं और होती हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कमी हर इंसान में है। मैं खुद मतलब कहते हैं ना कि दूध का धुला नहीं हूँ, हर इंसान में कमी रहती है, कमी इसमें भी है मुझ में भी है, पर अपने अगर हम जिसे चाहते हैं उसकी कमी को हम दरकिनार करते हैं। ये जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जब शादी नहीं होती तो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसको उसकी कमियां नहीं दिखती, तो ये चीजें शादी के बाद क्यों नहीं हो सकती। मेरा क्वेश्चन उन सब लोगों से जो शादी के बाद झगड़ते हैं कि आज अगर अपनी पत्नी के रूप में अपने घर के में लक्ष्मी के रूप में आई है वो, हम हमारी घर की लक्ष्मी की इज्जत करेंगे तो जो ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी है ना वो आपको चार गुना इज्जत करेगी। तो घर 27 साल पुरानी गर्लफ्रेंड है जो वाइफ भी है ना। नहीं, ये वाइफ ऐसी है जो अब जाके गर्लफ्रेंड बन गई है। ये वाइफ पहले बनी है, गर्लफ्रेंड बाद में बनी है। ये दोनों ब्लैक ब्लैक में एकदम मैचिंग हो रहे हैं। भगवान करे आपका ऐसा जोड़ा ऐसा ही सलामत रहे और हमेशा आप दोनों के बीच की ये जो पटरी है ऐसी ही साथ साथ चलती रहे। थैंक यू सो मच हरीश भैया और थैंक यू सो मच हर्षिता भाभी। वेल, आज का ये जो सेगमेंट है चीज चटनी और कुछ घर की बहुत जरूरी बातों के नाम हुआ है। तो जाते जाते एक और वाइट चीज देखिए, इसमें अंदर कितना सारा चीज है, इसमें बटर है, भैया ने बटर लगाया है भाभी को थोड़ा सा, मेरे नसीब में भी आया है और सब कुछ है, बट उसके सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्यार है, इसमें आत्मीयता है, इसमें सम्मान है, इसमें हाथ बटाने का साझा करने का एक फील फैक्टर है, तो वो जरूर याद रखें। और आपके मुंह में पानी आ गया तो फिर फटाफट किचन में जाइए और बनाइए और खाइए। टिल देन दिस इज योर चैट अबाउट जूस साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे बी टीवी हुआ क्योंकि जमाना वी द यंगस्टर्स का। बहुत ही अमीर। बस मैं पूरा खाऊंगी, पूरा थोड़ी दिखाना है।